हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमने जो अपना पिछला टॉपिक था या पिछला यूनिट था, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, उसको कंप्लीट किया और आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट टर्म्स दिखेंगे, बायो और टेक्नोलॉजी। इन दोनों को जब साथ में लाया जाएगा, मतलब जब बायोलॉजी से टेक्नोलॉजी को मिलाया जाएगा, द टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजी, अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ये होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। मतलब अब यहाँ पे कई सारे ऐसे मेथड्स, कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस, कई सारी ऐसी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलर प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम यहाँ पे बायो की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किसी न किसी टेक्निकल चीज़ में किया जाए, उसे हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। या फिर अपने किसी काम को करने के लिए जब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए, किसी फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जब हम वहाँ पर लिविंग माइक्रोब्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एसिमिलेशन करते हैं, डालते हैं, तब वो जो प्रोसेस कहलाता है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बहुत बहुत छोटा सा अगर कोई एग्जांपल लो तो, जैसे मान लो कि दही जमाते हो, दूध को दही जमाते हो, तो वो किस तरह से जमता है, वहाँ पे जो दूध में आप पहले थोड़ा सा दही डालते हो जमाने के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि काम करता है उसको जमाने का। तो वहाँ पे जब आपको लैक्टोबैसिलस मिलता है तो आपको पता रहता है, उतना हम सोचते नहीं उस समय कि क्यों जम रहा है, नॉर्मली तो कोई नहीं सोचता इतना, बट जब साइंटिफिक व्यू की अगर अपन बात करें तो वो भी जो चीज़ है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट है, वहाँ एक लिविंग एजेंट प्रेजेंट है उस प्रोसेस को कम्प्लीट करवाने के लिए। दूध से दही अगर बनाना है, अगर आपके पास मिल्क है, आपको उसे कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जो ये काम कंप्लीट करता है। तो ये भी जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आएगा। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो इस रीसेंट फेज़ में, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो इस रीसेंट फेज़ में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। और इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में अब धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा विकसित होता जा रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत वास्ट स्कोप होगा। उसका मेन जो कारण है वो ये है कि रिसर्च जो होती है, किसी भी टाइप की बायोलॉजिकल रिसर्च, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो, तो ये इस प्रकार की कोई भी चीज़ें, तो ये जो फील्ड्स हैं, मेडिकल साइंसेज की भी बात कर ली अपन ने, या बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, कई जगह यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड आया है, माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड आया है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं कई डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब बायोटेक्नोलॉजी आजकल यूज़ क्यों किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करने का कोई कारण भी होगा ना, कि भाई बायोटेक्नोलॉजी अभी इतना क्यों यूज़ किया? सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ है नहीं, हज़ारों सालों से बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमंस यूज़ करते आए हैं। इनके जो भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ अल्कोहल का निर्माण करना। अल्कोहल के निर्माण के लिए फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है, फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये अल्कोहल का निर्माण, चाहे बियर का निर्माण, ये सारी चीज़ें तो हम हज़ारों सालों से, 5 से 6 हज़ार सालों से करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के ही अंडर आती है और ये हम कई समय से करते आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस अब के केस में ज़्यादा क्यों हुई?
जो कंडीशन हो रही है, अगर हम बात करें तो रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं। रिसोर्स डिप्लीट होने का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन थे, उसका लगातार यूटिलाइजेशन जो ह्यूमंस है वो करते जा रहे हैं। और लगातार यूटिलाइजेशन करने का मतलब ये है कि जो संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। अब आपको पास, मान लो कि एक लैंड है, आपके पास एक लैंड है, इतनी सी ज़मीन है, और इसमें आप 10 केजी गेहूं उगा पाते थे। पर अब ये जो रिक्वायरमेंट है या फिर ये जो रिज़ल्ट है ये पर्याप्त नहीं है। ये जो 10 केजी गेहूं है पर्याप्त नहीं है। हमें ये पता है कि ये जो लैंड है इसकी कैपेसिटी जो है वो 30 केजी गेहूं उगाने की है, पर हम इस पर उगा कितना पाते हैं, 10 केजी। और ये बहुत लंबे समय से 10 केजी उगता जा रहा है। तो हमें कुछ ऐसा मेथड यहाँ पे लाना पड़ेगा जिस कारण इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ सके, अगर हमें कुछ ऐसा प्रोसेस लाना पड़ेगा कि ये जो प्लांट है अगर 6 महीने में ग्रो करता है तो इसको हम रिड्यूस करके 3 महीने में ग्रो करवाएं, ताकि हम 6 महीने में 2 बार इस प्लांट को ग्रो करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से बायोलॉजिकल चीज़ों को आप इन्फ्लुएंस करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए जब यूज़ करते हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का आज के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ह्यूमन जब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है तो अब हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर जिस चीज़ की आपको आदत हो गई है, आप जितनी सांस लेते हो, आप जितना पानी पीते हो, या फिर आप गाड़ियों में घूमते हो, या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो इससे फैलने वाले जो प्रदूषण, इससे फैलने वाली जो बीमारियाँ, इससे होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रिड्यूस करना या ख़त्म करने के हम उपाय ढूंढते हैं, जो कि इस टर्म के और इस सब्जेक्ट के अंदर छुपे हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी इतना बड़ा और इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको कभी भी, इस पे तो रिसर्च चलती जा रही है और चलती जाएगी और अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ने का, और जो कोर्स में बेसिकली अब बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है, आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद बायोलॉजी में कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से हटके उस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि उसको आप अपनी डेली लाइफ में कैसे डाल सकते हो या अपनी डेली लाइफ में कैसे उसको अपटेक कर सकते हो। तो कई प्रकार की फील्ड है जहाँ पे बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ने अपना इन्फ्लुएंस डाला है और वहाँ पे हेल्पफुल हुई है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब वो इन्फ्लुएंस चाहे क्रॉप पे हो, चाहे लैंड पे हो, चाहे एनवायरनमेंट पे हो, ये जो सारी चीज़ें हैं। अब एग्रीकल्चर में अगर अपन बात करें तो क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर में इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है क्वालिटी ऑफ क्रॉप। जो फसल है उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर किया जा सके। मतलब अगर आप कोई फसल है, कुछ है जो आप 5 केजी उगाते हो और उसमें से हमेशा 1 केजी खराब या सड़ी हुई निकलती है, ऐसा मानो, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए कि आपको 5 की जगह जो 4 केजी मिल रहा है वो ना हो कि आपको पूरे 5 के 5 केजी फ्रेश फसल मिली जाए। तो मतलब ये जो 1 केजी है जो खराब हुई वो क्यों खराब होती है, उस 1 केजी में कोई ना कोई बीमारी हुई होगी तभी, क्योंकि प्लांट्स में भी बीमारियां होती है, तो 1 केजी में कोई ना कोई बीमारी हुई होगी, तो इस बीमारी को स्टॉप किया जाए जब प्लांट ग्रोथ फेज में ही हो, बड़ा ही हो रहा हो, तभी इस बीमारी से लड़ने वाली क्षमता वाला मेडिसिन, इस बीमारी से लड़ने वाली क्षमता वाला कोई फैक्टर उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि इस फसल की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके, वो ज़्यादा
स्टेबल या ज़्यादा अच्छी हो सके। एग्रीकल्चर में हम और क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका लैंड, उसका जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी हम चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें हम पौधे लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आपका जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या ग्रो कर सकता है और क्या ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ये चीज़ें हम पता लगाते हैं कि भाई आपके पास जो मिट्टी है वो किस चीज़ के लिए। वो आप बोलोगे कि जो हमारे पास मिट्टी है वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे धान ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। तो हम इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तब ना जो मिट्टी गेहूँ के लिए फेवरेबल है उसमें दूसरी फसल लगाओगे तो वो उतनी अच्छे से नहीं ग्रो होगा, पर जो मिट्टी गेहूँ के लिए फेवरेबल है वो उसमें गेहूँ लगाओ, वो ज़्यादा बेटर क्रॉप, ज़्यादा यील्ड करेगा। दूसरी चीज़, उस मिट्टी की जो क्षमता है उसको इन्हांस किया जा सके। कैसे इन्हांस किया जा सके, उसमें कुछ फर्टिलिटी फैक्टर्स हम डालेंगे, कुछ फर्टिलाइज़र्स डालेंगे, ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसके कारण जो मिट्टी है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो। उस मिट्टी के अंदर कई बार ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी आ जाते हैं जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म करने के लिए वैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फिर ऐसे माइक्रोबियल फैक्टर्स डालेंगे जो कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म कर सके। तो इस कारण से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्लांट्स हैं हम जेनेटिक लेवल पे प्लांट्स को ट्रीट करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, मतलब इंजीनियरिंग का मतलब एक तरह से यहाँ पे होता है बनाना, निर्माण करना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जेनेटिक लेवल पे निर्माण करना, किस चीज़ का निर्माण करना, किस चीज़ को मैनिपुलेट करना, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करना। तो इन्फ्लुएंस हम जेनेटिक लेवल पे किसको कर सकते हैं, जीन्स को। जेनेटिक लेवल पे अपने पास क्या होता है, जीन्स ही तो होते हैं, आपका डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब जेनेटिक लेवल पे किसी चीज़ को ट्रीट किया जाए, हमारे शरीर के अंदर बीमारी जो होती है उससे लड़ने के लिए कई सेल्स, इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं, या फिर हमारे सेल की जो पूरी संरचना है उसमें अंदर ही अंदर आप जाते जाओगे तो सबसे लास्ट पॉइंट आपके पास एक डीएनए बचेगा आपका। जब उस डीएनए में हम कुछ इन्फ्लुएंस डालते हैं, उस डीएनए को हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे शरीर में मान लो कि एक्स बीमारी है, एक्स डिजीज़ है, हाँ, उस डिज़ीज़ को मारने के लिए हमारे शरीर में एक्स प्रोटीन का होना ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में एक्स बीमारी हुई और हमारे शरीर को उस बीमारी से लड़ने के लिए एक्स प्रोटीन की ज़रूरत है। तो एक्स बीमारी जो है और एक्स प्रोटीन जो है, ये बीमारी बाहर से आई शरीर के अंदर और ये प्रोटीन को बनना है शरीर के अंदर। तो हम क्यों ना अपने शरीर में ऐसा प्रोटीन इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या उस प्रोटीन को हमारा शरीर खुद ही बनाए और बहुत सारा अमाउंट में बनाए, ताकि ये जो है इस डिज़ीज़ को पूरी तरह से किल कर सके। अब ये प्रोटीन कैसे हमारे शरीर में बनेगा भाई, इन चीज़ों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे शरीर में इतने लेवल पे जाके कि हम ये डिसाइड करें कि हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो प्रोटीन बनता है उसका एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, एक पाथवे प्रोटीन फॉलो करता है। जब हम सेंट्रल डोगमा पढ़ते हैं उसमें हम ये जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसको अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी चेंज देखने को मिलेगा। जब आप यहीं पर चेंज कर दोगे तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियस चेंज ही मिलेगा। तो हम सबको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, वो एक कोडिंग सीक्वेंस ही तो होता है, एक कोड से बना हुआ एक सीक्वेंस, एक बहुत सारे कोडॉन्स मिलके एक सीक्वेंस बनाते हैं। वो जो सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। उस सीक्वेंस को अगर अपन बदल सके, उस सीक्वेंस को कैसे बदलेंगे, इस सीक्वेंस को बदल के।
यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनकी सीक्वेंस को बदलोगे तो जाहिर सी बात है आरएनए की सीक्वेंस बदलेगी, क्योंकि ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और आरएनए की सीक्वेंस बदलोगे तो आपके जो एमिनो एसिड्स बनेंगे उन्हीं को मिलके तो जो प्रोटीन बनेगा, और ये जो प्रोटीन बनेगा उन्हीं एमिनो एसिड से बनेगा, तो एमिनो एसिड की भी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई, प्रोटीन अपने आप चेंज हो गया। और इससे अगर मान लो आपने एक्स प्रोटीन बना दिया तो एक्स बीमारी या एक्स डिजीज़ जो है वो आपके शरीर में हार्मफुल नहीं होगी, या फिर अगर आएगी तो वो प्रोटीन उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में, चाहे वो प्लांट का केस हो चाहे वो एनिमल का केस हो, किसी भी केस में जेनेटिक लेवल पे हम मैनिपुलेट करके चीज़ों को बदल सकते हैं। इस चीज़ में कोशिश जारी है और कई सारी तरह की जो रिसर्च है वो ऑनगोइंग है, और कई रिसर्च जो है पहले सक्सेसफुल भी हो चुकी है। तो ये ऑनगोइंग रिसर्च है जेनेटिक लेवल पे, ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हम डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ते हैं, तो कई प्रकार के जो डीएनए में इन्फ्लुएंस आते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे ठीक भी कर सकते हैं, और डीएनए को हम चेक भी कर सकते हैं, और डीएनए से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं डीएनए को मैनिपुलेट करके, डीएनए को इन्फ्लुएंस करके। इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इफेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब पॉल्यूशन जो है अभी के ज़माने में, अभी के टाइम में एक बहुत बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके हम जो पॉल्यूशन का लेवल है वो एनवायरनमेंट में कम कर सकते हैं, और अगर कम ना कर पाए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम पॉल्यूशन कहाँ से ख़त्म करें, रूट कॉज से ख़त्म करें या फैलने के बाद। दैट मीन्स कि जो सोर्स है पॉल्यूशन का, मान लो गाड़ी, एक कार है, हाँ, और यहाँ पे ये जो है ये पॉल्यूशन कॉज करती है कार, तो कार पॉल्यूशन कॉज करती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अभी के डेट में ये तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम कार को ही स्टॉप कर दें, क्योंकि नीड बन गई है, ज़रूरत है, तो ज़रूरत को तो आपको चलाना होगा, पर इससे जो धुआं निकलता है, इतना सारा स्मॉग निकलता है, इस स्मॉग से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हमें बचाव करना है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर जो फ्यूल है उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कि जो इसके अंदर फ्यूल है क्या उसको इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है। जो इसके अंदर पेट्रोल है या डीजल है या जिस भी ईंधन से ये चल रहा है, क्या उसको इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे आता है। दूसरी चीज़, जिस पॉइंट से धुआं निकलता है क्या वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन किया जा सकता है, क्या वहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर लगाया जा सकता है जो सारे के सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट को अंदर एब्जॉर्व कर ले, और सिर्फ जो गैस है या नॉर्मल धुआं है जो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बहुत कम टॉक्सिक है, उसको एनवायरनमेंट में जाने दें। क्या ये जो धुआं निकलता है उसका कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें जो है हम सोचते हैं, और उससे रिलेटेड जो है कई सारे वर्क जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर होते हैं। कई प्रकार के यहाँ पे फिल्टर्स बनाए जाते हैं, कई प्रकार के जो फ्यूल हैं उसमें चेंजिंग लाई जाती है, ताकि जो निकलने वाला धुआं है वो इतना हानिकारक ना हो जितना होता है, कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक और फील्ड आता है, जो आता है फूड और फीडिंग इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में हमें अभी के ज़माने में पैक्ड फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। पैक्ड फूड मतलब उसमें वो सारे फूड रहते हैं जो डेली लाइफ में भी आप शायद खाओ, और अगर आप नॉर्मल लाइफ में उस फूड को छोड़ दो तो वो 102 दिन में ख़राब हो जाएगा, पर जब वो पैक्ड फूड के रूप में आता है तो वो 6-6 महीने सही रहता है। ऐसा क्यों होता है? पैक्ड फूड की अगर अपन बात करें, पैक्ड मटर आते हैं, आपने देखा होगा, पैक्ड और भी सारी कई सारी चीज़ें आती हैं नॉर्मली, जो इस केस में नॉन वेजिटेरियन केस में अगर देखा जाए तो पैक्ड मीट्स, पैक्ड चिकन, ये सारी पैक्ड फिश, ये सब चीज़ें आती हैं, और वो एक बहुत लंबे समय तक, फ्रोज़न फिश ये सब जो होती है ये बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि इतने लंबे समय तक ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती? क्या उसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है? तो बिल्कुल, इन सारी चीज़ों के अंदर जिस प्रकार की प्रिजर्वेशन टेक्निक, कई प्रोडक्ट होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, और कई ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ की जाती है।
कई बार आप देखो कि ऐसे पैक्ड फूड्स जो हैं वो बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं, और इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि ठंडे इन्वायरमेंट में इसको रखा जाए। क्यों? क्योंकि कारण होते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं जो फूड है उसको ख़राब होने के। सबसे पहला तो कारण होता है कि आउटर इन्वायरमेंट में अगर आप फूड को रख दोगे तो बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल अटैक उस फूड को होगा और वो फूड ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको इसी प्रकार से छोड़ दोगे तो। पर अगर उस फूड को फ्रोज़न कंडीशन में रखोगे, एकदम ठंडे कंडीशन में रखोगे, तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इतने कम टेम्परेचर पर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है या फिर नहीं होती। बहुत कम ही माइक्रोब्स हैं जो एकदम कम टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, मैक्सिमम माइक्रोब्स कम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उस कम टेम्परेचर के कारण आपका फूड जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी से बचा रहता है और फूड ख़राब होने से बच जाता है। ये तो था नेचुरल प्रोसेस कि हमने पता लगाया कि कम टेम्परेचर पर, ये फिजिकल प्रोसेस हुआ एक तरह से कि कम टेम्परेचर पर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए कम टेम्परेचर पर हम फूड रखते हैं, इसीलिए हम हमारा फूड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसी से कॉन्सेप्ट आता है रेफ्रिजरेटर का, जो आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो इसी कॉन्सेप्ट से आया है कि कम टेम्परेचर पर माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती। इसी कारण से अगर आप दूध बिना उबाले फ्रिज के अंदर रख दो तो वो काफ़ी समय तक रह सकता है, पर वैसे ही उसी दूध को अगर बाहर छोड़ दो नॉर्मल टेम्परेचर में तो वो दूध फट जाएगा। ये होता है ना, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, आप देखते हैं, पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। हम बोलते हैं गर्मी के कारण फट गया, अरे भाई गर्मी के कारण नहीं फट गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में, जो पैकेट फूड आता है, जैसे कि आप चिप्स खाते होगे, बिस्किट खाते होगे, कई सारी चीज़ें आते हैं उसमें कई प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ऐसे गैसेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि उस फूड को ख़राब होने से बचाते हैं। कई प्रकार ऐसे फूड को इस प्रकार से, या एंटीऑक्सीडेंट्स को डाला जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स को डाला जाता है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो फूड को प्रिजर्व करके रखती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम जितने भी प्रकार के बेवरेजेस हैं ये सारी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का नतीजा है। जैसे कि आप बियर की बात करो, वाइन की बात करो, विस्की या जो भी सारी चीज़ें हैं, अल्कोहल में तो सारी चीज़ें फर्मेंटेशन का ही नतीजा है, क्योंकि हमें एक लंबे समय तक फर्मेंट करना पड़ता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि लैक्टिक एसिड को फर्मेंट कर सके, जो कि जो शुगर है उसको फर्मेंट करके एसिड में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह से जो होता है वो सारी फर्मेंटेशन के जो काम है वो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होते हैं। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, वेस्ट यूटिलाइजेशन भी उसी में एक आता है। पॉल्यूशन की बात करें तो वेस्ट यूटिलाइजेशन उसी में आ जाएगा, बट अलग से अगर अपन देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरा है उसको कैसे मैनेज किया जाए। डीकम्पोजिशन एक शब्द आता है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर दूसरे जिनको डिग्रेड अपने आप वो नहीं होते, उनको करना पड़ता है जला के, गाड़ के, जो करके, पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन सब्सटेंसेस को बायोडिग्रेड करते हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनका संख्या कम कर देते हैं या फिर उनको ख़त्म कर देते हैं। और कई प्रकार से ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में पहले ही से मौजूद हैं, क्या बात होती है कि जो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में पहले से मौजूद हैं उनको कैसे हम इस प्रकार से यूज़ करें ताकि वो हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म 10 किलो कचरा है उसको रिड्यूस कर देता है, और 10 किलो को रिड्यूस करके 5 किलो में कर देता है। अब हमें वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ कि हम कैसे इसकी पावर बढ़ा सकते हैं या कैसे इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं कि जो कचरा है वो 5 किलो की जगह 0 हो जाए, वो 10 किलो से पूरा का पूरा कचरा ही गायब कर दें और इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो हमें इस तरह की थिंकिंग लेनी पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी में, और उस तरह से काम करना पड़ता है ताकि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो टेक्नोलॉजी के साथ मिल के ह्यूमन वेलफेयर के लिए जितना बेहतर हो सके उतना कर सकें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बायोटेक्नोलॉजी का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी का, अगले वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे थोड़े और बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।